सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को आप जरूर जरूर पुश करें जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके, या हमारी नोटिफिकेशन जो हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आप तक पहुंच सके जिससे आप हमारे वीडियो को देख सकें। फ्रेंड तो चलिए शुरू करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं ASUS ZenFone Max Pro M2 की कमियों के बारे में। 4 महीने हो गए हम इस फ़ोन को लिए हुए, जो कि आप देख सकते हैं हाथ में मेरे है, बिलोंग करते हैं। तो इस कंपनी ने यूपी के बहुत से ज़िलों में कस्टमर केयर सर्विस नहीं प्रोवाइड किए हैं। दूसरे नंबर पे इसमें जो स्पीकर है उससे आवाज़ ही बहुत ही स्लो आती है। गिर जाने से हाथ से इसकी जो बॉडी है बैक साइड की, ये आप देख सकते हैं ये क्रैक हो गई है, दिख रहा होगा। तो कवर ऊपर हम लोग चढ़ा के रखते हैं ना, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कवर चढ़ाने के बाद में ये कंडीशन है। फ्रेंड देखिए बॉडी कैसे क्रैक हो गई, बॉडी दिख रही होगी क्रैक। और ये बैक साइड से इसके पैनल है ना, पुश करने पे दबते हैं कि फाइबर है, क्योंकि कोई भी क्वालिटी इस बॉडी में नहीं है। रही बात दूसरा, एक जो नए यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉक वीडियो बनाते हैं अगर आप लोग फ्रेंड्स, तो इसको तो आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ना वो पूरी तरीके से बकवास। पता नहीं कैसा इंजीनियर है उसने इस कैमरे में, इस मोबाइल में कैमरे तो दिए लेकिन क्वालिटी देने भूल गए फ्रेंड। ठीक है, तो टिकटॉक वीडियोस बना रहे हो या नए यूट्यूबर्स हो तो आप प्लीज इसे मत बाय करें। अदर बहुत सी कंपनियां हैं, आप पहले जाएं और कैमरे की वॉच करें, कैमरा कैसा है, क्या क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको लें या बाय करें फ्रेंड। दूसरा सबसे बड़ी कमी और आई, दूसरे महीना कंप्लीट होते होते इसके जो हैंड फ्री स्पीकर होते हैं ना वो गुल हो गए, इसकी बत्ती गुल हो गई, अब वो भी नहीं आवाज दे रहा है, तो कसम खा लिया अब नहीं बोलेंगे फ्रेंड। और उसको मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वॉल्यूम में मैंने फुल करके रखा हुआ दिख रहा होगा, और वॉइस नहीं आ रही, ओपन है पूरा, देखा नहीं आ रही है। तो ये सबसे बकवास फोन अब तक का है फ्रेंड, इसे बाय तो बिल्कुल नहीं करना। फोन के बारे में यही चीजें, ये बहुत ही मेन कमियां हैं। ठीक, बाय।